2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और 2024 में प्रशांत किशोर जन स्वराज को एक पार्टी का रूप देने जा रहे हैं। वह तारीख है 2 अक्टूबर 2024, वो भी बिहार के पटना के गांधी मैदान से। और प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो उनसे अभी बहुत सारे लोग बिहार के प्रभावित हैं, चाहे मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो, खान सर हो, खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो, सभी से जब पूछा जाता है कि आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर जो अभी बिहार में कर रहे हैं जन स्वराज के माध्यम से उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो सभी एक एक करके प्रशांत किशोर और जन स्वराज की तारीफ करते नजर आते हैं। और ऐसे में अभी हम एक ऐसे मुखिया जी के पास आए हुए हैं, इनसे प्रशांत किशोर प्रभावित हो चुके हैं और इन्हें मुख्य प्रवक्ता भी बनाया है, और इन्हीं से हम जानेंगे कि प्रशांत किशोर को इन्होंने कैसे प्रभावित किया। प्रशांत किशोर जी को आपने कैसे प्रभावित किया, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो विचार है, हम क्या उनको प्रभावित करेंगे, हमको वो प्रभावित किए। तो हमारा और उनका इंटरेक्शन हुआ, आपस में बातचीत हुआ, तो वो हमको बोले कि आप में बहुत ऊर्जा है, आप आइए जन स्वराज से जुड़िए। और उनके इस अपील पर हम उनके साथ जुड़े और आज जिला मुख्य प्रवक्ता के रूप में हम जन स्वराज में यहाँ पर हमारा चयन हुआ है जिला मुख्य प्रवक्ता के रूप में। मात्र एक घर इस पंचायत में आपकी जाति के लोग हैं। जातिवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर, जो जातिवाद बिहार में नहीं है वो मैं हूँ। न जाति है, न धनबल है और न जनबल हमारे साथ होता है। आम जनता जो आम मतदाता है उससे व्यक्तिगत रूप से हमारा, उनके दिल से हम जुड़े हुए होते हैं। और यही कारण है कि जब प्रशांत किशोर इनके बारे में जाने तो इनसे वो प्रेरित हो गए और इन्हें मुख्य प्रवक्ता के रूप में उनको लगा कि एक ऐसा शख्स जिसे वो ढूंढ रहे थे, प्रेरित होकर कहीं ना कहीं आपकी बातों से प्रेरित होकर आपको वो मुख्य प्रवक्ता बनाते। हाँ, मुख्य प्रवक्ता के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और प्रशांत किशोर जी हमारे काम से बहुत खुश भी हैं। जो सिस्टम है, तो हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पर जो इतना भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि जैसे लालू जी का जंगल राज के लिए याद किया जाता था, जिसमें अपराधी हथियार के बल पर रात में लूटते थे लोगों को, यहाँ तो अधिकारी इतना निर्भीक हो गया है कि दिन में कलम लगा के लूट रहा है। सबके राज में भ्रष्टाचार कहीं नहीं। इस बार प्रशांत जी बोले हैं कि बिहार की जनता का हम हाथ पकड़े हैं और प्रशांत जी जिसका हाथ पकड़ते हैं वो आदमी कभी हारा नहीं है। तो इस बार बिहार की जनता हारेगी नहीं, बिहार की जनता व्यवस्था परिवर्तन करेगी और व्यवस्था परिवर्तन के नायक के रूप में प्रशांत किशोर जी होंगे। और क्या आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार के लोगों को अपने बच्चे की आंखों में देखना चाहिए, उनके भविष्य देखना चाहिए, तो क्या ये चीज़ें होंगी? लोग पैसा, मुर्गा और जाति और धर्म छोड़ करके बच्चे का भविष्य देखकर वोट करेंगे? इस बार तो होगा। जहां भी जनसभा में उमड़ता हुआ जन सैलाब, प्रशांत जी के जनसभा में उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि प्रशांत जी के बातों को बिहार की जनता बहुत गंभीरता से सुन रही है और इस बार परिवर्तन तय है और इस बार बिहार की जनता अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट करने जा रही है। जिन नौनिहालों के साथ अभी तक ये कोई भी सरकार हो बिहार में, जितनी भी सरकारें बनी वो सभी सरकारों ने बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है और अपना उल्लू सीधा किया है। इस बार बिहार की जनता किसी भी झांसे में आने नेपाले नहीं है, चाहे जातिवाद हो, चाहे संप्रदायवाद हो, सब कुछ से ऊपर उठकर और बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वोट करेगी और नायक के रूप में प्रशांत किशोर उभरेंगे, जन स्वराज इस बार सरकार बनाएगी। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष हैं आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, वो कह रहे हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे प्रशांत किशोर के और वो एक दूरदर्शी नेता नहीं बन पाएंगे। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर बिहार के लिए दूरदर्शी नेता बनेंगे? सारी चीज़ें मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं साबित होंगे। देखिए, विरोधी से क्या आप प्रशंसा की उम्मीद कीजिएगा? जिन लोगों का पैर तले जमीन खिसक रहा है, आप देखे हैं ना, चिट्ठी जारी करना पड़ रहा है दल को कि प्रशांत किशोर के पार्टी में नहीं जाओ। जदयू वाले भी रोक रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन रुक रहा है। इस आदमी के साथ उमर पड़ा है लोग, अब सब लोग विभिन्न दलों को छोड़ छोड़ के प्रशांत किशोर के पास आ रहे हैं और उनके चिट्ठी देने से ही सब करने से, ए टीम, बी टीम, आ सी टीम कहने से अब जनता सब झांसे में नहीं आने वाली है, सब समझ चुकी है जनता। और इस बार काम तमाम है, बिहार विकसित राज्य बनने
की प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। 10 वर्षों में हम बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। जब यहाँ पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इस सब से बिहार को हम निजात दिलाएंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। एक फिल्म आई थी शोले, उसमें माँ कहती थी कि रात में बच्चे रोते थे कि सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएंगे, और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार में कुछ ऐसा ही है, आरजेडी मुसलमानों को डराती है कि मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी हिंदुओं को डराती है कि मुझे वोट नहीं दोगे तो मुसलमान शासक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या आप भी मानती इस चीज़ को कि जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आरजेडी मुसलमानों को डराती है और बीजेपी हिंदुओं को डराती है? हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है, मुसलमानों का वोट सिर्फ आरजेडी ले रही है डरा करके कि भाई बीजेपी वाले आ जाएंगे, आरएसएस वाला आ जाएगा, ये डराती है। और इधर हिंदुओं को डराती है बीजेपी कि मुसलमान सिस्टम पर कब्जा कर लेगा, तो यही भय दिखाया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता इस बार समझ चुकी है कि बिहार में परिवर्तन होने से किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस बार बिहार अब अग्रणी राज्यों की श्रेणी में चलने के लिए तैयार है। और एक एक जनता अपने बच्चों का भविष्य और चेहरा देखकर, जो आदमी आप सोच सकते हैं कि जो आदमी किसी नेता को उंगली पकड़ के सत्ता पकड़ा सकता है, वो आदमी कहा है कि इस बार हम बिहार के जनता का हाथ पकड़े हैं और बिहार के जनता को बिहार की कुर्सी तक पहुँचाएंगे, और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। कितनों डर जाए, भाग जाए, कर जाए, इस बार कोई ये सब हिंदू मुसलमान और जातिवादी सब कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यादव जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, बहुत बड़ी संख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग और जनजाति के लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में उच्च वर्ग के लोग भी जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। तो ये टीम, बी टीम, सी टीम करते रहिए। अब नेता सब अभी पंचायत वेब सीरीज का डायलॉग है, करते रहिए मीटिंग है वही चीज, उसमें एक चीज और है। देख रहे हो विनोद? तो वही है, इस बार है कि अब समझ रही है जनता, है ना, कह रही है कि देख रहे हो विनोद आरजेडी वाला चिट्ठी जारी कर रहा है। प्रशांत किशोर जी जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़े उसको सत्ता के शिखर तक पहुंचा है। तो इस बार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम इस बार किसी दल और नेता का हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम इस बार बिहार के जनता का हाथ पकड़े हैं और बिहार के जनता को हम ये सत्ता दिलाएंगे, और उसी उद्देश्य से ये जन स्वराज पार्टी का गठन किया है। जैसे लालू जी का राज जंगल राज के लिए, प्रशांत जी माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि लालू जी का राज जैसे जंगल राज के लिए याद किया जाता था, जिसमें अपराधी हथियार के बल पर रात में लूटते थे, इस समय तो ये स्थिति है भाई जी कि अधिकारी कलम लगा के लूट रहे हैं और दिन में लूट रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि इस बार वोट दीजिए अपने बच्चों की आंखों में देख करके, तो ये कैसे संभव है कि जो जनता सालों से मुर्गा, पैसा और जाति के नाम पे वोट करते आई है, इस बार वो अपने बच्चों की आंखों में देखेंगे, अपने बच्चे के भविष्य की ओर देखेंगे, कैसे संभव होगा ये? प्रशांत किशोर जी जाते हैं सभाओं में, लोगों के बीच जाते हैं, तो बोलते हैं कि आपने तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, है ना, और भी बहुत सारी बात पर वोट दिए, बिहार का तो कुछ भला हुआ नहीं। आज क्या स्थिति है? बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गया है। पैसा तो जा ही रहा है ना, आज पैसा बैंकों में जो हम जमा करते हैं, पैसा बैंकों में जो जमा करते हैं उसमें माननीय प्रशांत जी का कहना है कि सीडी रेशियो होता है कि जितना हम जमा किए पैसा उसका 70-75% यहाँ के लोगों को देना है, यहाँ के लोगों को देना है, लेकिन बैंक क्या करती है, सारा पैसा दूसरे राज्यों में भेज देती है। सीडी रेशियो जब 75 होना चाहिए कम से कम, यहाँ सीडी रेशियो 40 के आसपास है। सीडी रेशियो क्या होते हैं, आम भाषा में थोड़ा समझाइए। इसमें होता है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है, इसमें जैसे एक रेशियो है कि हम जितना जमा किए पैसा, हम मान लीजिए 100 रुपया जमा किए, तो ये सरकार, ये बैंक की बाध्यता है कि 100 में 70 रुपया यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दे, 70 रुपया 100 में, जबकि हो क्या रहा है अभी मात्र 40 रुपया दे रही है बैंक, और बाकी पैसा आप देखिए यही गुजरात है ना, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है,
है ना, वहां सीडी रेशियो 100% 105%, मतलब वहां का लोग 100 जमा करता है तो उसको 105 रुपया लोन मिलता है, मतलब ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है। और यहाँ, और यहाँ 40 रुपया मात्र। बिहार ज्यादा साक्षर राज्य नहीं है, कैसे समझेगी इस बात को? ये बहुत ही टेक्निकल बात है, अंदरूनी बात है, इसे समझ पाना, समझा पाना बहुत ही कठिनाई। इसमें देखिए यही तो बात है ना, हम लोग जो सभाओं में जाते हैं या लोगों के बीच जाते हैं जनसंपर्क में, तो लोगों को बताते हैं, मुख्यमंत्री अगर ईमानदार प्रयास करे तो यहाँ की व्यवस्था बहुत बदल सकती है। जैसे देखिए स्कूल में सिर्फ खिचड़ी मिलता है, जो स्कूल में टीचर हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो इस स्कूल के टीचर है वो स्कूल का टीचर अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता है, क्यों? वो जानता है कि यहाँ शिक्षा ठीक। उस व्यवस्था को नेतरहाट टाइप का स्कूल जो एक समय में था, अभी सिमुलतल्ला है बिहार का, नेतरहाट टाइप का जो स्कूल है उस टाइप का स्कूल, प्रशांत जी की योजना है कि हर एक प्रखंड में हम हर एक प्रखंड में एक से दो स्कूल देंगे ताकि यहाँ मेधावी बच्चे मजदूर पैदा नहीं हो। यहाँ तो बिहार मजदूर का फैक्ट्री बन के रह गया है। लेकिन जो कहते MI समीकरण और तरह तरह के समीकरण यहाँ पे जातिगत हैं, उसे कैसे आप लोग तोड़ पाइएगा? प्रशांत किशोर जी की टीम कैसे कर पाएंगे? जनसुराज कैसे कर पाएगा? देखिए 1965 से पहले बिहार अग्रणी राज्य था हमारा, 1965 से लेके अब तक 2024 तक लगभग बिहार की जनता सभी दलों को देख चुकी है, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, RJD हो, JDU, सबों ने बिहार को ठगा है। अब बिहार की ये जनता समझ रही है, अब बिहार की जनता इस बार इन दलों के झांसे में आने वाली नहीं है, और वो मन बना चुकी है कि माननीय श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन सुराज पार्टी जो 2 अक्टूबर 2024 का गठन होगा वो प्रचंड बहुमत के साथ, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज विश्वास दिलाता हूं कि 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और आमूल चूल बिहार में परिवर्तन होगा। जिस पार्टी के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़िएगा वो BJP है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पैसे भी बहुत है, RJD है, JDU है और भी तरह और भी तमाम छोटी पार्टियां हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए रणनीति के साथ साथ बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएगी? इस बार योजना है कि 2 करोड़ आदमी से बिहार में जब हमारा पार्टी का गठन होगा तो क्लियर कट रहेगा कि 2 करोड़ आदमी से हम 100-100 रुपया लेंगे व्यक्ति। बिहार के बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि प्रशांत किशोर वही करने जा रहे हैं जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया है, लेकिन दिल्ली एक छोटा राज्य है, वहाँ पर जातिगत ढांचा नहीं है, वहाँ पर क्लास है अमीर गरीब का, तो इसलिए वहाँ पर वो कर पाए, लेकिन बिहार में ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर जाति है बहुत बड़ी। असंभव को संभव बनाना अगर कोई आदमी में दम है तो वो प्रशांत किशोर है, और किया है लाल नीतीश जी 2014-15 में निराश हो गए थे, इस्तीफा कर दिए थे, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए थे, याद है ना? और जब प्रशांत किशोर जी के यहाँ जब पहुंचे, नीतीश जी का आदमी पहुंचा कि भाई अब मदद कीजिए, अब प्रशांत जी आए और मदद किए, और नीतीश जी को कहे प्रशांत जी कि आप आइए, आप मुख्यमंत्री बनिए और हम आपको बचा, और हाथ पकड़े नीतीश जी का, आज भले दल वाले जो लोग बोले लेकिन उस समय अगर प्रशांत जी नहीं होते तो नीतीश जी का चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया था। तो जो आदमी सोच लीजिए कि ला करके सत्ता पर बिठा सकता है, इस बार तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और जनता को हम सत्ता पर बैठाएंगे। और प्रशांत जी UNO की नौकरी छोड़ के, UNO में थे, UNO की नौकरी छोड़ के और यहाँ इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का काम किए, और फिर इसको छोड़ के देखे कि ये सब जो हम कर रहे हैं, नेता तो बन जा रहा है लेकिन बिहार का तकदीर नहीं बदल रहा है, तो बिहार का तकदीर कैसे बदले, बिहार अग्रणी राज्यों की श्रेणी में कैसे आए, बिहार का मानवीय सूचकांक कैसे ऊपर हो, इन सब एक पूरा मध्य नजर रखते हुए, और पूरा ब्लू प्रिंट इनके पास तैयार है सबका। आप एक एक बिंदु पर हम आपको बता सकते हैं कि जैसे अभी कहा जा रहा है ना कि कोसी जो है बिहार का अभिशाप है, इसको वरदान में कैसे बदलना है, प्रशांत किशोर जी के पास ये ब्लूप्रिंट है। यहाँ गांव की तकदीर है, एक एक गांव के बारे में कहते हैं कि एक एक गांव का हम रोड मैप तैयार करके और हम कर रहे हैं, और जिस दिन हमारे पार्टी का गठन होगा और जब हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो हम एक एक गांव में
प्रत्येक लोगों का सर्वांगीण विकास हो, ये पहला प्रयोग होगा कि सभी जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा, महिलाओं का भी। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 40 लोकसभा क्षेत्र है ना बिहार में, हम कम से कम 40 महिला को विधानसभा का टिकट देंगे और जिताएंगे, 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 और समुचित जातीय प्रतिनिधित्व होगा, जैसे यादव हो या जो भी जाति, जो भी जाति है। सबसे ज्यादा अभी प्रभावित प्रशांत जी से आपको मुसलमान हो रहे हैं, एक सबसे आप देखिए दो ही जाति है यहाँ दलित, अगर कहिए तो दलित के आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, मुसलमान, मुसलमान की स्थिति बहुत दयनीय, सबों ने ठगा है मुसलमान को, सिर्फ भाजपा के डर से, भाजपा के डर से लालू को मुसलमान वोट देता है, और लालू के डर से जो मुसलमान को छोड़ के अन्य जाति है वो भाजपा को वोट देते हैं। तो ये जो भय दिखाता है, सांप्रदायिकता का भय हुआ या जातिवाद का भय, अब सब लोग समझ चुका है कि इस बार एक बार प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए, और मन बना चुकी है, अब सिर्फ हम लोगों को उसको जितना जो बंडल का बंडल वोट है उसको कलेक्ट करके हम लोग ईवीएम में कैसे लाएं, इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। और एक बात तय है कि जब सरकार बनने दीजिए, एक साल में सारे लोग कहेंगे कि वास्तव में इस आदमी को तो पहले आ जाना चाहिए था। जन स्वराज बिहार के बाकी राजनीतिक दलों से कैसे अलग होगा? देखिए जन स्वराज पार्टी जो बनने जा रही है, सबसे पहली बार है कि कोई भी पार्टी जो बिहार में बना है तो पटना में 5-स्टार होटल में बैठ के और पार्टी का गठन हो गया, घोषणा हो गया और स्वयंभू एक नेता बन गए, है ना, उनके नेता है तो उनके सक्सेसर उनके बेटा होते हैं। आप देखिए ना बिहार की स्थिति, चांदी का चम्मच लेके लोग पैदा होता है मुंह में, और बाकी मात्र 1200 परिवार बिहार में ऐसा है ना जो घूम फिर के बिहार की राजनीति कर रहा है, मात्र 1200 परिवार ऐसा है जो घूम फिर के बिहार की राज, आप देख रहे हैं सपनी चौधरी कहां कहां नहीं, लालू जी के साथ भी मंत्री रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, जदयू में भी रहे, अभी उनके बेटा सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी बीजेपी में है, इससे पहले मुरेठा बांधे थे सम्राट चौधरी कि नीतीश को हटा के दम लेंगे, और नीतीश ऐसा कि मुरेठा भी खुलवा दिया, इनका मुख्यमंत्री वो जो अध्यक्ष थे पार्टी का उससे भी हटवा दिया। जितनी भी पार्टियां हैं ये पहली बार बिहार में हुआ है, पहली बार बिहार में हो रहा है कि बड़े पैमाने पर पदयात्रा कर लोगों को भावनाओं को नजदीक से, लोगों की वेदनाओं को, भावनाओं को, दर्द को नजदीक से प्रशांत किशोर ने समझा है, और वो समझ के साथ लगभग आधे से अधिक गांवों में वो जा चुके हैं और अभी भी पदयात्रा में हैं। जो राजनीति में आरोप है कि जिनके पास ज़्यादा धन बल होता है वही नेता बनते हैं, उन्हीं को टिकट मिलता है, और ये भी होता है कि जो गुंडे होते हैं बहुत बड़े बड़े बाहुबली होते हैं उन्हीं को पार्टियां टिकट देती है, तो क्या जन स्वराज भी वही राह अपनाएगी या फिर अच्छे लोगों को राजनीति में लाएगी? देखिए इसमें तो इनका जो मुख्य रूप से जन स्वराज का जो स्लोगन है, आप देखिए सही सोच, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सही लोग पहली बार पदयात्रा कर गांव में रुक कर गांव में सभा करके, और जो सही लोग अच्छे लोग हैं उनको प्रशांत जी चुन चुन के ला रहे हैं, चुन चुन के ला रहे हैं, है ना, और उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप, वो तो प्रशांत जी का कहना है कि पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसे की चिंता नहीं कीजिए, चुनाव प्रबंधन की चिंता नहीं कीजिए, वो सब प्रशांत जी कहते हैं कि आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, हम जिताएंगे आपको। सभी पार्टी में होते, जैसे आरजेडी है उनमें होता है कि लालू जी अध्यक्ष रहे, उनके बेटा हैं, और फिर जब तेजस्वी जी के बेटा होंगे वो फिर अध्यक्ष बनेंगे, तो जन स्वराज में क्या रहेगा? देखिए जन स्वराज में ही अध्यक्ष रहेंगे या फिर कोई और? कोई भी, प्रशांत जी तो बोले हैं पिछली जो सभा हुई थी ज्ञान भवन पटना में, तो उसमें स्पष्ट बोले हैं कि हम कोई पद नहीं लेंगे, है ना, और कहीं कुछ नहीं, हमारा है कि बिहार में परिवर्तन कैसे हो, वो सिर्फ नायक होंगे परिवर्तन के, व्यवस्था जो यहाँ बनेगी ये व्यवस्था बनेगी सामूहिक जिम्मेवारी से जो तय होगा, लोग बैठ के जो तय करेंगे, अभी पार्टी का गठन हो रहा है ना, पहले अभी तो हुआ है कि अध्यक्ष जो पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे वो दलित वर्ग से होंगे, सोच लीजिए पार्टी का अध्यक्ष
मैंने ये तय हो चुका है कि दलित वर्ग से ही होगा और सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा। अगर जन स्वराज सरकार बना लेती है, अगर ऐसा हो पाता है, तो कितने साल लगेंगे बिहार को अग्रणी राज्य बनने में? 10 साल। प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि 10 वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हम रखेंगे और उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार है। उसके लिए ब्लूप्रिंट हम बताए सीडी रेशियो, हम सीडी रेशियो सिर्फ मेंटेन कर लें, सीडी रेशियो मेंटेन कर लें तो समझिए मोर देन 50% बेरोजगारी तो ऐसे ही दूर हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, पहली बार तो बोले थे अच्छे दिन आएंगे, तो उसी तरीके का वादा आप लोग की पार्टी भी कहीं ना कहीं कर रही है कि अच्छे दिन आएंगे और युवाओं का ब्रेन ड्रेन रोका जाएगा, इस तरीके की चीज आप लोग? देखिए प्रशांत जी जो बोले हैं और अभी तक इनका हिस्ट्री इतिहास रहा है कि जो बोले हैं वो किए हैं, इसीलिए सबसे भरोसेमंद अभी के राजनीतिक परिदृश्य में अगर कोई व्यक्ति है तो वो प्रशांत किशोर है। जो बोलता है वो करता है। हम फैक्ट्री लगाने में विश्वास नहीं करते हैं यहाँ, हम एक एक आदमी को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, छोटा छोटा रोजगार देंगे, वो तैयार होगा अपना गांव में काम शुरू करेगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसको पूंजी नहीं है, जाति का नाई है, पूंजी नहीं है, वो मजबूरी में जा रहा है गुजरात दिल्ली और वहां मजदूर बना के किसी सैलून में काम कर रहा है। अगर उसको हम 25-50 हजार 1 लाख रुपए यहाँ उपलब्ध करा दें तो हो सकता है छोटा झोपड़ी रख के दुगो और हजाम को रख के अपना शुरू कर देगा। योजना तो अभी भी है कि लेकिन जब आप लोन लेने जाते हैं तो घूस लिया जाता है, दोहराया जाता है बहुत ज्यादा, उसे रोकना पड़ेगा। ये सारी योजनाएं तो अभी भी है, MSME और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें कैसे सुधार कीजिएगा? क्योंकि जब तक जो भ्रष्टाचार है, कोई भी मतलब जैसे बैंक से लोन लेना है तो पहले उसके कमीशन फिक्स होता है, वो सब कैसे बंद होगा? देखिए इसमें हम बोले ना कि अभी थोड़ा देर पहले बात की आपसे कि अधिकारी यहाँ कलम लगा के लूट रहे हैं। अधिकारियों पर जिम्मेवारी फिक्स होगी। जैसे कि अगर ये तय हो जाए बैंकों को कि आपको 100 आदमी को रोजगार देना है 1 महीने के अंदर, तो बैंक तो बेचैन होगा ना, और उसमें हमारा टारगेट पूरा करेगा। और टारगेट जब पूरा करना होगा और उसमें योग्य लोगों का चयन होगा और अगर ईमानदार प्रतिनिधित्व तो होगा, जैसे पंचायत में है, पंचायत में ईमानदार प्रतिनिधित्व तो होगा तो वो अच्छे अच्छे आदमी अच्छे अच्छे युवाओं को पकड़ पकड़ के बैंक से संपर्क करा के और बैंक से अगर उपलब्ध तो यहाँ घूस की तो बात रही नहीं। हम जब तक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे, ईमानदार प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे, प्रशांत जी यही कहते हैं, अच्छे ईमानदार स्पष्ट सोच वाले सही सोच वाले व्यक्ति को लाना है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं अभी तक, चाहे BJP हो, RJD हो, JDU हो, सभी प्यारों पे कहीं ना कहीं ना कहीं वो किसी खास जाति वर्ग का विशेष ध्यान रखती है, तो जन स्वराज इसे कैसे मैनेज करेगी? देखिए तो सामूहिक सोच सामूहिक प्रयास है ना, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास। पॉलिटिशियन जो हैं अभी वर्तमान में BJP वाले हों चाहे JDU वाले हों राजद वाले हों, ये समझ चुके हैं कि बिहार बीमारू राज्य रहेगा, इसको सुधारा नहीं जा सकता। सबसे पहले इस मानसिकता को बदलना है और ये बदलाव, इस मानसिकता को बदलने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, वो जन स्वराज, और वो है कि इसमें बदलाव होगा और हम किसी जाति नहीं, किस जाति विशेष नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं, सामूहिक प्रयास होगा और सामूहिक विकास होगा और तब जाके बिहार विकसित राज्य बनेगा। जिसका नाम आपने सामूहिक दिया है, मोदी जी ने उनका नाम सबका साथ और सबका विकास दिया था, लेकिन क्या वो हो पाया है? देखिए मोदी जी तो वही बात हुआ ना, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बिहार 40 में 39 MP दिया, इस बार भी अच्छा दिया है, इस बार भी अच्छा दिया है, लेकिन एक बात बता दीजिए, मोदी का तो तीसरा टर्म मोदी जी का है, एक बार भी बिहार के लिए अगर बैठक किए हो मोदी जी, तो बिहार को कैसे सुधारा जाए, कैसे विकसित राज्य बनाए, कैसे इसका पिछड़ापन दूर हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, है ना, कैसे पलायन रुके बिहार में, अरे बहुत बड़ी साजिश है भाई जी। बिहार को बीमारू राज्य बना के रखना है, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को समझा अगर कोई है तो वो प्रशांत किशोर समझा है, और वो समझ के आज वो बिगुल बजा रहा है और
अभियान निकल चुका है। आरजेडी वाले तो बताते हैं कि बीजेपी के बी टीम है वो, प्रशांत किशोर जी के बारे में। हाँ बोलेंगे, आरजेडी वाले तो सब दिन मुसलमान को ठगे कि भाई बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। बीजेपी तो 15 साल से केंद्रीय सत्ता में, क्या वो मुसलमान को निकाल। जैसे वो शोले फिल्म का डायलॉग था कि जब बच्चे रात के रोते थे तो सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा। तो वही बीजेपी डराती है, आरजेडी भय दिखाती है, भय दिखाती है कि हम ही हैं जो तुम्हारा रक्षा किए हुए, और मुसलमान बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट देता। इस बार डर की कोई बात नहीं है, इस बार मुसलमानों को कहा जा रहा है कि इतने दिनों तक आपको बहुत गलीज में जो रखा है उसको छोड़ो और हमारे साथ एक बार आओ। आरजेडी मुसलमानों को डराती है कि बीजेपी आ जाएगी तो मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे। हाँ। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो कितने मुस्लिम को टिकट देती है वो? कम देती है, कम देती है। इस बार तो बोला है, बोले हैं प्रशांत जी, बोले हैं प्रशांत जी, जो प्रतिशत है मुसलमानों का उस प्रतिशत के हिसाब से लगभग 70-75% के आसपास मुस्लिमों को टिकट दिया जा रहा है जनसुराज से, जनसुराज से और जीतेंगे भी। महिलाओं को सबसे ज्यादा महिलाओं को 40 महिलाओं को, कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देने की बात हो रही है, अच्छा चल रहा है। कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी। हाँ ये बात है कि संख्या जिसकी जितनी होगी, जितना प्रतिशत होगा उतना प्रतिशत का ख्याल रखा जाएगा जनसुराज में, और किसी किसी के अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा, एकदम समुचित हिस्सेदारी मिलेगी और सारे लोग संतुष्ट होंगे। जनसुराज के अभियान पे जो लोगो है, महात्मा गांधी का फोटो है वहां पे, और आज के बहुत सारे युवा महात्मा गांधी को दोषी मानते हैं भारत के विभाजन को लेकर के, आप भी जानते होंगे इस बात को, और ये भी मानते हैं कि अगर गांधी न होते, और गोडसे को सही मानते हैं कहीं ना कहीं, तो वो उस युवा को कैसे जोड़िएगा आप लोग? देखिए ये देश का दुर्भाग्य है, महात्मा गांधी जिस पर विश्व के आधे से अधिक देशों में अभी भी रिसर्च होता है, ये महामानव क्या वास्तव में धरती पर आया था, इस पर रिसर्च हो रहा हो, महात्मा गांधी के बारे में जो कम जानता है ना वही आदमी बहुत कुछ बोल देता है। गांधी के पास ऐसा नहीं था, वो चाहते तो पूरा सूट बूट पहन सकते थे लेकिन आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे, इसलिए कि यहाँ की जनता नंगी और भूखी है, कम खाते थे, सत्याग्रह करते थे, एकदम सिंपल लिविंग था, इसलिए कि उनका सोच था कि जब तक हमारी जनता सक्षम पूरा नहीं होती है तब तक हम भी उसी ढंग से जिएंगे। जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं? इन्होंने जो गांधी को लेकर के, जनसुराज को लेकर के और बिहार को लेकर के जो अपनी बात रखी है, और आने वाले समय में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, जनसुराज जिसका ब्लू प्रिंट देने का बात दावा करती है, उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।